ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। आज केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के आवास पर संविदा कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग पत्र को मंत्री कौशल किशोर जी को सौंपा। इसी कार्यक्रम के तहत शिक्षा मित्रों के तरफ से शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी बैठक में सम्मिलित हुए। श्री कुमार शुक्ला और जितेंद्र शाही का प्रतिनिधिमंडल आज मंत्री कौशल किशोर जी से मिला, इसमें त्रिभुवन सिंह भी मौजूद रहे। मीटिंग से पहले जितेंद्र ने ट्वीट करके लिखा, 18/9/2021 को हम सबके बड़े भाई माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री कौशल किशोर जी की अध्यक्षता में शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर बैठक होना निश्चित है। माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी को लाखों शिक्षा मित्रों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मीटिंग के बाद जितेंद्र शाही ने ट्वीट करके लिखा, आज हम सबके बड़े भाई माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री कौशल किशोर जी शिक्षा मित्रों के भविष्य के संबंध में वार्ता करते हुए। मीटिंग के बाद कौशल किशोर जी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। सबसे पहले कौशल किशोर जी ने ट्वीट करके लिखा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे लखनऊ में मुलाकात की व ज्ञापन दिया, जिस पर सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही कौशल किशोर जी ने मीटिंग की तस्वीरें साझा की। कौशल किशोर जी ने एक और ट्वीट करके लिखा, आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में जितेंद्र शाही जी के नेतृत्व में मुलाकात करके मुझे अपनी मांगों का ज्ञापन दिया, जिस पर जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, इसके लिए आश्वस्त किया। तो ये आज की मीटिंग का पूरा ब्यौरा था जो आज कौशल किशोर जी के आवास पर तय थी, जिसमें संविदा कर्मियों के साथ कौशल किशोर जी की ये बैठक थी और उनकी मांगों का निस्तार करने के लिए कौशल किशोर जी ने ये मीटिंग बुलाई थी। तो इस खबर पर आपकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। NS Now पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल NS Now को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।